इट्स वेरी वेरी रिस्की। मैं काफी एज पे खड़ा हूँ अभी, काफी रिस्क है स्लिप तो लेके, वेव्स के पुश से फ्लो लेके। ओके सो राइट बिहाइंड मी देयर, ओके लाइक जस्ट देयर, देयर इज अ ग्रुप ऑफ स्वॉलोज एंड क्रोज। ओके आई डोंट नो लाइक दे आर ट्राइंग टू दे आर ट्राइंग टू सेटल डाउन देयर रीजन और दे आर ट्राइंग टू फाइट फॉर देयर रीजन। ओके बट दैट्स हाउ इट इज लुकिंग, वॉट एवर इट इज लाइक द स्वॉलोज इन बिटवीन दे आर फ्लाइंग एंड द क्रोज इन बिटवीन दे आर गेटिंग। They are jumping around, so I don't know. It's really a lovely scene to watch. So basically, I won't say this is a start, but I would show you the peak. मेरे पीछे अगर वो peak दिख रहा है, तो उधर हम लोग climb करने वाले थे। ठीक है, अभी तो मतलब इनको गाड़ी निकलने को तकलीफ हो रहा था, इसलिए मैं उतर गया और बाकी मेरे friends उतर गए, आगे निकल गए वो लोग। तो ये यार, ये जो पूरा edge दिख रहा है, उधर हम लोग climb करेंगे। Prapul is going to be in trouble, okay? जो मेरे पीछे जो वॉटरफॉल है, आई गेस जो मिनी वॉटरफॉल बोलेंगे, वो फर्स्ट पॉइंट है ट्रैक का, ठीक है, जिसके जिसके स्टोन्स पे है ना दादी माँ करके भी लिखा है, ठीक है, स्पेसिफाइड स्टोन्स पे किया है दादी माँ, ठीक है। तो वहां से ये फर्स्ट चेक पॉइंट जहां से ट्रैक स्टार्ट होता है, फिर इसके बाद और एरोज भी बने जिससे आपको वे गाइड करेंगे, ठीक है, आपको अच्छे से पता चल जाएगा, क्योंकि स्टोन्स पे क्लियरली मेंशन किया है एंड ये भी साइन देता है कि इधर एक छोटा वाटरफॉल भी फ्लो पे जा रहा है। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द दादी और कावली ट्रैक। और एक बात बता दूं, आयुष ने है ना दो डॉगोस को है ना काफी अच्छे से पेट किया, ठीक है। तो हम लोग ने 1 किलोमीटर पहले स्टार्ट किया था ये ट्रैक और 1 किलोमीटर से कंटिन्यूसली हमारे पीछे ही है, ठीक है, कंटिन्यूसली फॉलो करे। तो थैंक्स टू आयुष दैट आर बॉय एंड गर्ल इज फॉलोइंग अस। फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन like Takeshi Castle's stepping stone and I would say yaar idhar se chalu karte hain, so let's begin. it was really bad, my boots are wet, theek hai, shoes gile ho gaye but kafi sahi tha, theek hai. ye hum log ko ye hamara first stream hai jo hum log ko laga hai, abhi iske baad hum log baki trek start kar rahe hain, baki log aage hain, mere ko ye scenario capture karna tha, iske main piche start kiya and let's say this is the first point hum log ke piche। तो थिंग इज ये 3 से 5 से 6 घंटे का ट्रैक है एक दोनों साइड से, तो आई होप सो अभी तो अराउंड 8:30 बज रहेंगे 9, तो आई होप 1-2 बजे तक हम लोग कंप्लीट कर ले और हम लोग नीचे आ जाए, ठीक है। बट ये काफ़ी सही है, मेरे को प्रफुल्ल ने स्टार्टिंग में बताया कि ये इसमें है ना क्या बोलते हैं रिवर्स वाटरफॉल भी है, तो जो हम लोग ऊपर पहुँचेंगे हम लोग को ऊपर जाके रिवर्स वाटरफॉल भी देखने को मिलने वाला है। अभी मैं जो दिखाने जा रहा हूँ वो काफ़ी ही एजी रोड है, ठीक है, उसके राइट साइड में बड़ा सा वाटरफॉल है, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि स्लोली एंड स्टडीली उसको क्रॉस ओवर करें एंड साथ में डॉगोस भी है, तो डॉगोस को भी एक अच्छा रूट बताएं, वो इवेंचुअली फिगर आउट कर ही लेंगे। तो लेट्स डू इट। दिस इज द व्यू, ओके, लाइक दिस इज द हर्डल दैट वी विल बी क्रॉसिंग, एक्चुअली वी आर क्रॉसिंग राइट नाउ। अरे पूरी पूरी है ना जो डिस्कवरी पे जो सर्वाइवल शोज आते हैं ना, ट्रैवलिंग ट्रैकिंग शोज, सेम उसकी फीलिंग आ रही है अभी। देखते रहो आराम से। ओके तो थिंग इज ये पूरा एल्गे का रीजन है, ठीक है, एंड हाँ पीछे से काफी संभाल के क्रॉस करना पड़ेगा क्योंकि काफी स्लिपरी रहेगा एंड राइट साइड में डायरेक्टली खाई है या फॉल का एंड है, वही बोल सकते हैं, पूरा स्लिप होकर नीचे। हेलो, ताकि मैं ऑन द वे ऑन द ट्रैक स्मॉल स्निपेट्स एंड स्मॉल बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा, मैं इस पर भी आऊँगा हम लोग इधर कैसे पहुँचेंगे। एक हिंट दे देता हूँ, कल्याण से सुनकर के उधर से बस आती है एंड फिर मैं आपको और वे गाइड करूँगा ऊपर पहुँच कर, ठीक है। अच्छा वार्निंग फॉर यू ऑल किड्स और एनीवन एल्स, डोंट ट्राई दिस एनीवेयर और एट योर होम, ठीक है, इट्स वेरी वेरी रिस्की। मैं काफी एज पे खड़ा हूँ अभी, काफी रिस्क है स्लिप होने के, वेव्स के पुश से फ्लो होने के, बट स्टिल आई हैव मैनेज टू गेट दिस शॉट, ठीक है। तो यही बोलूंगा मैं कि ये ट्रैक इजीली मैनेजेबल है बट साइमल्टेनियसली बहुत रिस्की भी है, तो प्लीज ये ट्रैक कर रहे हो या कोई भी ट्रैक कर रहे हो ऐसे कोई जगह पे जिधर एल्गे है स्लिपरी है, तो ध्यान रखो छोटी छोटी बातों का, ध्यान रखो छोटी छोटी केयर लो और छोटी छोटी वार्निंग, ओके। दैट्स वन
and there's another one. Okay, so they have become our official companions for the trek. Okay, I hope I am audible to you all because you have background noise of waterfall. काफी रिस्की लग रहा है क्योंकि बीच में कोई ड्राई लैंड नहीं है, सीधा वो लास्ट वाला ड्राई लैंड ड्राई स्टोन है, बाकी बिल्कुल स्लिपरी है। उधर भी वो साइड से एक वे है बट पार्शियली वेट है, पार्शियली ड्राई है, तो मेरे को रिस्क लेना क्योंकि मैंने लेजिट ट्रेनर्स पहना है, ठीक है, जो मेरे ट्रैकिंग बूट्स है उससे फंगस लगा हुआ, तो उसको धोने को डाल दिया क्योंकि मेरे को हिमाचल लेके जाने। अभी जंगल रेल या जंगल सफारी पे आते तो ये सब मोमेंट्स के लिए तो क्रेव करते हो, जो कि नेचुरल जो स्ट्रीम है, नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर, जैसे से पानी पियो और मुझसे मुंह दो, तो मैं अभी वही करने वाला हूँ, ठीक है, वन ऑफ माई बकेट लिस्ट एट एवरी ट्रैक, एट एवरी पीक एंड इन एवरी जंगल ट्रेक। This is amazing. Okay, this is thanks. Thanks, Ayush. Ayush ने ये रिकॉर्ड किया। Okay, so that's an albino crab. Okay. आज वाले स्ट्रीम के एंड में है ना छोटी सी वाटर बॉडी थी, बट इधर राइट वाले साइड में मतलब आगे आओगे ना तो आपको दो डाइवर्जन दिखे, एक जाता है लेफ्ट एक जाता है राइट, तो राइट वाला लेना नहीं है। राइट वाले के बारे में सिर्फ इतना पता रहता कि एज कम्पेयर टू लास्ट ट्रैक का जो स्ट्रीम है छोटा वैसा नहीं है ये, बट स्टोन्स भी है इसके स्ट्रीम में, उसको क्लाइंब कर रहा है, बट हम लोग लेफ्ट वाला रास्ता लेंगे, ठीक है, ध्यान में रखो लेफ्ट वाला रास्ता। और मैं अभी कर रहा ही हूँ तो मैं बोल ही देता हूँ, ठीक है, कि आप कल्याण स्टेशन उतरोगे ना, कल्याण स्टेशन से आपको बस लेना है, हाजी मलंग गाँव बोलना है, हाजी मलंग गाँव उतर के फिर उसे काफ़ी पास ही है, ताहुली ट्रैक का नाम है, या हाजी मलंगगढ़ भी बोल सकते हो, तो फिर एक जगह पर छोड़ेंगे, याद रखो लेफ्ट लेना है, ठीक है, जिधर भी बस छोड़ेगा ना उसके बाद आगे थोड़ा वॉकेबल डिस्टेंस है तो लेफ्ट से स्टार्ट होता है, लेफ्ट लेंगे और फिर आपको एक गांव से पास होकर जाते हो, तो आई विल रिकमेंड कि कुछ टाइम तक स्कूटी का यूज़ करो, आई वुड से वॉक ही यूज़ करो, ट्रैक है तो वॉक ही यूज़ करना चाहिए, वॉक यूज़ करो, गांव में पूछो तो वो लोग गाइड करेंगे, यानी आगे आगे चल के, मैंने एक स्पॉट बताया ना पीछे पहले व्लॉग में वीडियो में जैसे एरो लगना चालू होता है, तो उधर से फिर आपको एरोज है एंड उधर से आपको आपका वे गाइड होता है, ठीक है, आपको वे पता चल जाएगा। कहाँ पे हो, दिख रहे नहीं लोग कहाँ पे, वे भूल गया क्या मैं, सिद्धार्थ शाप, काफी स्टीफ है, रॉक से तो क्लाइंब करना पड़ेगा, जिसे थक गया है इसलिए सांस फूल रही है, बट जो अपना डॉगो है अभी ऋषभ पीछे रह गया है तो डॉगो उसके लिए वॉच कर रहा है, ठीक है, जैसे डॉगो ध्यान रख रहा है कि ऋषभ इज कमिंग और नॉट, लव यू डॉगो, लव यू डॉगो, ओ बाप रे, शिट दिस वाज मोस्ट एंबैरेसिंग मोमेंट, सॉरी डॉगो, सॉरी डॉगो। इधर काफ़ी प्लास्टिक देखा तो इससे पता चलता है कि इधर भी ह्यूमंस लिटर करते हैं, तो प्लीज़ डोंट लिटर, डोंट स्प्रेड गार्बेज, डोंट यूज प्लास्टिक। आई डोंट नो द नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म बट इट्स क्वाइट रेयर टू सी इट इन द ओपन जंगल, एक्चुअली टू सी इट फ्रॉम योर होम नाइस। एंड मैं आज के डीजावू के बारे में बता दूँ, स्टार्टिंग में हम लोगों ने स्कूटी पे एक काउ देखा जो एक वाटर बॉडी में जंप किया नहाने के लिए, उसके बाद आई सॉ अ ग्रुप ऑफ स्वॉलोज एंड क्रोस फाइटिंग फॉर देयर टेरिटरी, देन उसके बाद हम लोग को फाइनली दो डॉगोज मिलते, मतलब इसका हिंट थोड़ा पहले ही था कि आज हम लोग को डॉगोज एंड हम लोग को न्यू ट्रैक कंपेनियंस मिलने वाले हैं, तो दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द ट्रैक। ओके, वे दिख रहा है आपको, ठीक है, नैरो नैरो होते जा रहा है, अगेन छोटा हो रहा है, अभी देख लो मैं कैसे बैठा हूँ, ठीक है, तो आप क्लाइंब कर रहे हो, ट्रैक कर रहे हो तो ग्रुप के साथ आओ, अकेला मत आओ क्योंकि चांसेस आप भूल जाओगे, क्योंकि भूल जाओगे क्योंकि स्टार्टिंग में डायरेक्शंस है बट देन कुछ टाइम बाद काफ़ी टर्न्स है, काफ़ी मोड़ है, तो पता नहीं चलता, तो आइदर टेक अ गाइड विद यू और टेक समवन हूज एक्सपीरियंस और ग्रुप के साथ दैट आई वुड रिकमेंड यू फॉर द ताहुली ट्रैक। हम लोग है ना अभी उजाले में आ गए, ठीक है, ढलान से ऊपर आ गए, हम लोग ने पीक भी स्पॉट कर ली एंड फिर हम लोग ने काफ़ी वाइट एल्बिनो क्रैब्स भी दे, ठीक है, उसके साथ ही हम लोग को है ना डेंस फॉरेस्ट वाला व्यू भी मिल गया सिनारियो, ठीक है, जो मतलब एक नैरो ब्रॉड स्ट्रीम है और काफी बुशेस से कवर्ड है, आई मीन सेम हॉरर मूवी का काल मूवी का याद दिला रही है, तो इसलिए मैंने जानबूझ के ये वाइड एंगल पे लेना चाहा, पूरा दिखा देता हूँ मैं, तो ऐसा कुछ ही चाहिए था मेरे को, ठीक है, कि ऊपर से मतलब ऐसा बुशेस का पूरा कवर हो, ठीक है, मेरे पीछे जैसे यू शेप में उसके पीछे से चल रहे, ठीक है, अम्ब्रेला बुशे अम्ब्रेला श्रब बोल सकते हैं, ठीक है, उसको जो कि आपको फॉरेस्ट काफी बार उसका शेप बना देता है, ठीक है, एंड थोड़ा बहुत वे वैसा भी है अभी हमारा, दिखा देता हूँ साइड में ये पूरा है एंड फिर उधर से इधर से थोड़ा ओपन हुआ एंड वापस अभी क्लोज हुआ।
आई विश अगर हम लोग खाना लेके आते तो ये जो बनाना लीव्स हमको साइड में मिले जो भी उसका यूज़ कर लेते, ठीक है। मतलब यूजुअली विलेजेस एंड गाँव में तो बनाना लीव्स पे ही खाते हैं, बट देन हमारे पास खाना नहीं है, कोई नहीं, हम लोग इसको क्लीन भी कर लेते, ठीक है। बड़े बड़े मस्त बनाना लीव्स क्या भाकरवाड़ी उस पे लगा के। अच्छा जो ऑफ द डे मेरे को इधर ऋषभ बोल रहा है कि भाकरवाड़ी सर्व करके दूँ क्या बनाना लीव पे, व्हाई नॉट। अच्छा तो मेरे पीछे है ना, हम लोग उधर से आए, ठीक है, वो वाले जगह से आए, वो वाले वे से आए जो काफ़ी ढलान है और स्टीप है। उधर से आने के बाद हम लोग को काफ़ी टाइम बाद अभी उजाला दिख रहा है, ठीक है। और जो मेरे पीछे जो पीक दिख रही है जो कि फॉग से कवर्ड है, उधर हम लोग को उधर चढ़ना है, ठीक है, उधर तक जाना है।